Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, guys, in this video, I am going to teach you how to do natural process chart, and according to me, most of the students. फाइंड इट डिफिकल्ट हाउ टू राइट लाइफ साइकिल ऑफ एनी थिंग हाउ टू राइट नेचुरल प्रोसेस चार्ट सो जनरली गाइज इन दिस वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू राइट लाइफ साइकिल और यू कैन से हाउ टू राइट नेचुरल प्रोसेस चार्ट सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू शुड नो दैट वाट इज़ प्रोसेस चार्ट जनरली प्रोसेस चार्ट में हमें क्या शो होता है सारा कुछ ठीक है उसके बारे में डिस्कस डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रीड दिस इट डज़ नॉट कंपेयर एनीथिंग प्रोसेस चार्ट में कुछ भी हमें कंपेयर नहीं करना होता जैसे हम लाइन ग्राफ करते हैं बार ग्राफ करते हैं पाई चार्ट हम कंपैरिजन कर देते हैं ना कि पहले इतना था अब इतना बढ़ के इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया या कुछ भी सो वी डू नॉट हैव एनी नीड टू कंपेयर एनीथिंग सेकेंड इज इट शो स्टेजेस प्रोसेस चार्ट में हमें क्या शो करना है स्टेजेस शो करनी है कि पहले यहां तक पहुंचे थे अब आगे बढ़ के यहां तक पहुंच गए लाइक स्टेजेस ठीक है like stages, पहले इतना हुआ था अब इतना हो गया थर्ड पॉइंट इज ओनली प्रेजेंट एक्टिव एंड पैसिव टेंसेज आर यूज प्रेजेंट एक्टिव और पैसिव टेंसीज यूज़ कर सकते हो ठीक है फोर्थ इज़ नो टाइम पीरियड कोई इसमें हमें टाइम पीरियड नहीं गिवन होगा ठीक है कि नाइनटीन ट्वेंटी में इतना था नाइनटीन फोर्टी में इतना हो गया कोई नो टाइम पीरियड इज गिवन इन दिस प्रोसेस स्टार्ट ओके ओनली जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट चांसेस ऑफ हैविंग लोकेशन बिल्कुल माइनर से चांसेज माइनर भी कौन से मतलब होांसिस जीरो चांसेस है कि हमें कोई लोकेशन गिवन हो नेक्स्ट इज वी डू नॉट यूज यूनिट्स हमने इसमें कोई भी प्रोसेस चार्ट में यूनिट्स नहीं यूज करने होते क्लियर सो नाउ लेट्स बिगिन विद द कनेक्टर्स दैट यू हैव टू यूज इन दिस प्रोसेस चार्ट सो so, ये कनेक्टर्स आपने कैसे यूज करने हैं जैसे हमें स्टेजेस गिवन होगी कि फर्स्ट स्टेज पे ये है सेकंड पे ये है थर्ड पे ये सो so, आप उसके लिए फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज ऐसे नहीं यूज कर सकते गाइस ठीक है उसके लिए भी आपके पास कुछ कनेक्टर्स कुछ वो कैब होनी चाहिए जो आप प्रोसेस चार्ट में यूज कर सकते हो सो लेट्स बिगिन विद द कनेक्टर्स दैट यू कैन यूज इन दिस प्रोसेस चार्ट फर्स्ट इज फर्स्टली टू बिगिन विद टू कमेंस with अब देखो मैंने पहले पहले में ठीक है आपको तीन बता दिए या फिर आप फर्स्टली लिखोगे या टू बिगिन विद जब आपने पहला स्टेप मैंशन करना है या फिर टू कॉमेंस विद इन तीनों में से फर्स्ट स्टेप जब भी आपको मैंशन करना है आप एक यूज करोगे इन तीनों में से राइट सेकेंड इज सेकेंडली द सेकेंड स्टेज इज ठीक है देखो सेकेंड में भी आप कैसे लिख सकते हो सेकेंडली कॉमा डालोगे उसके बाद द सेकेंड स्टेज इस ठीक है द सेकेंड स्टेजेज अब देखो ये नहीं है कि मैंने सेकेंड पे दोनों लिखे तो आप दोनों ही लिख दोगे सेकेंडली भी कॉमा द सेकेंड स्टेजेज कि मैम ने बोला था कि दोनों ही लिख सकते हैं no. नो इन दोनों में से आप सिर्फ एक यूज करोगे या तो सेकेंडली या फिर द सेकेंड स्टेज इज दिस क्लियर ओके थर्ड इज देन देन यूज कर सकते हो पहले आपने दो मैंशन कर दिए ऐसे ठीक है बाद में देन यूज कर सकते हो फोर्थ इज देन आफ्टर ठीक है जब हमने नेक्स्ट स्टेज पे मूव होना है तब हम देन आफ्टर यूज कर सकते हैं फिफ्थ इज आफ्टर दैट आफ्टर दिस स्टेज आफ्टर दैट ये यूज कर सकते हो सिक्स इज द फॉलोइंग स्टेप इज दिस क्लियर कि फॉलोइंग स्टेप ये है सेवंथ इज आफ्टर वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स यूज कर सकते हो एट्थ इज द नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट स्टेप इज यूज कर सकते हो नाइन्थ इज सब्सिक्वेंटली जब हमने नेक्स्ट स्टेप पे मूव होना है कि अब यहाँ तक प्रोसेस हो गया अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है सब्सिक्वेंटली के बाद अब यूज कर सकते हो जब आपने लास्ट कोई कहना है ठीक है फाइनली लास्टली या फिर इवेंचुअली इन तीनों में से जब भी आपने हमेशा लास्ट वाला कोई स्टेप मेंशन करना है प्रोसेस के एंड में ठीक है तब आप फाइनली लास्टली इवेंचुअली में से कोई एक यूज कर सकते हो क्लियर इवेंचुअली यूज करोगे दैट इज मच बेटर देन एंड फाइनली बट आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो नो प्रॉब्लम सो गाइज नाउ लेट्स बिगिन विद द नेचुरल प्रोसेस चार्ट जनरली इन दिस वीडियो दिसम ये कि हाउ टू राइट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ लेडी बी और यू कैन से हनी बी क्लियर देखो आप ये पिक्चर देख सकते हो उसके पहले हम इंट्रोडक्शन सीखते हैं ठीक है हाउ टू राइट दी सिंपल एज वेल एज इफेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस चार्ट क्लियर सो देखो कई स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं एल्यूसीट्स ऐसे वर्ड्स को ट्राई करते हैं उन्हें लगता है कि हम ये वर्ड्स यूज करेंगे सो so दैट हम अपने बैंड्स को इनहांस कर सकते हैं राइटिंग में क्लियर इल्यूसी मैं आपको पहले ही बता दूं इल्यूसी डेट्स डेमोन्स्ट्रेट्स आर नॉट द करेक्ट इन नेम ऑफ द शो ठीक है वहां पे लिखा होता है ग्राफ बिलो शोज द इंफॉर्मेशन राइट हम अगर लिख देना दी ग्राफ दिवन ग्राफ ल्यूसी डेट्स कोई कुछ कोई बेनिफिट नहीं है इन्हें लिखने का ठीक है आप को जस्ट यू हैव टू यूज जस्ट टू वर्ड्स इलेस्ट्रेट्स और कंपेयर्स ये दोनों वर्ड आप यूज करोगे नथिंग एल्स बच्चों को लगता जरूर है कि वो ल्यूसीडेट्स और डेमोन्स्ट्रेट लिख दें तो उनके बैंड इंक्रीज हो जाएंगे बट यू शुड नो दैट दीज वर्ड्स आर नॉट द करेक्ट इन ऑफ द शो ओके सो अगर हम ये बात करें इसकी देखो आ, हम रीड करते हैं दी ग्राफ बिलो शोज या फिर दी डाइग्राम बिलो शोज दी लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी अगर हमने इसी इंट्रोडक्शन को सिम्पल एज वेल एज इफेक्टिव वे में लिखना है ठीक है तो हम कैसे लिख सकते हैं दी गिवन नेचुरल प्रोसेस इलास्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया शोज के लिए इलास्ट्रेट्स गेटिंग माई पॉइंट नाइ गाइस सो तो देखो नेक्स्ट इज ओवरऑल दैट इज द मेन थिंग इन दिस नेचुरल प्रोसेस चार्ट सो गाइज यू शुड नो दैट वी जस्ट नीड टू मैंशन थ्री पॉइंट्स इन दिस नेचुरल प्रोसेस चार्ट सो फर्स्ट इज नेचुरल और मैन मेड आपको ये बताना है पहले कि ये ये जो भी आप लिख रहे हो ठीक है ये नेचुरल है या फिर मैन मेड है ओके सेकेंड में हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व दूसरे सेंटेंस में आपने क्या लिखना है कि इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है थर्ड सेंटेंस में अब आप क्या लिखोगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड एंड्स विद दिस जनरली लाइफ साइकिल तो किसी का एंड होता ही नहीं है फिर देखते हैं हम कैसे लिखेंगे नेचुरल प्रोसेस में ठीक है एंड्स नहीं लिखोगे आप इसमें आप बोल सकते हो कि वो कहाँ पे मतलब उन्होंने अपन, अपना अपना पिक्चर के अकॉर्डिंग कहाँ पे एंड हो रहा है आपके अकॉर्डिंग कि कंटिन्यू तो होगा वो तो हम सेंटेंस एड करेंगे ही नेचुरल में वैसे आपने यही लिखना है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड एंड्स विद दिस क्लियर ये तीन सेंटेंस ही आपने ओवरऑल में मेंशन करने हैं जनरली वाइज अगर हम इस फोटो की बात करें जो आपके सामने जी इस पिक्चर की बात करें जो आपके सामने है हनी बी का लाइफ साइकिल ये देखो आपको क्या लग रहा है स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी पहले तो देखो ओवरऑल में इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा ओवरऑल कॉमा इट इज अ नेचुरल प्रोसेस विच हैज फाइव मेन स्टेजेस ठीक है देखो मेन फाइव भी बोल सकते हो वन टू थ्री फोर मेन फाइव है ठीक है अब बोल दो विच हैज मेन

देखो एंड पे जाके देखो फोर डेज टू मेच्योरिटी फिर फिर वो क्या बन रही है फिर मेच्योर हो रही है ठीक है आप इसका ओवरऑल ऐसे लिखोगे कंप्लीट ओवरऑल कॉमा इट इज अ नेचुरल प्रोसेस विच स्टेजेस या फिर सेवरल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग टू मे एडल्ट इंसेक्ट टू में क्यों लिखा मैंने ठीक है पहले एग तो दे रही है एंड पे कहाँ पे खत्म हो रहा है कि वो क्या बन रही है टू में एडल्ट इंसेक्ट बन रही है क्लियर इसी तरीके के साथ आपने सारे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनका लाइफ साइकिल का ओवरऑल ऐसे ही लिखना है हर एक में क्लियर ओके गाइस नाउ लेट्स बिगिन विद द बीपीज लाइक हाउ टू डिवाइड दिस होल प्रोसेस चार्ट इन टू बीपीज सो so जो अभी स्टार्टिंग में वीडियो के हमने कुछ कनेक्टर्स डिस्कस किए थे ठीक है वही कनेक्टर्स को यूज करते करते हमने इस पिक्चर पूरी को कंप्लीट करना है अपने सारे स्टेजेस हमने इसमें कंप्लीट करने हैं क्लियर ओके सो गाइज देखो अपने बीपी वन स्टार्ट करना है ठीक है चाहे कोई भी आ जाए आप इसमें पहले स्टार्टिंग लाइन ये लिख सकते हो लुकिंग एट दी पिक्चर इन मोर डिटेल उसके बाद कॉमा डालोगे ठीक है लुकिंग एट पिक्चर इन मोर डिटेल चाहे कोई भी ऐप उसमें लिख सकते हो कॉमा डाला टू बिगिन विद द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम टू बिगिन विद से याद आ रहा है ना कनेक्टर्स हमने रीड किया था स्टार्टिंग में ओके टू बिगिन विद द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी इन द फर्स्ट स्टेज कॉमा एडल्ट फीमेल बी लेज एग्स जो एडल्ट बीज हैं वो क्या कर रही हैं एग्स दे रही हैं ठीक है टिपिकली लेज वन और टू एग्स एवरी थ्री डेज ये वाली फर्स्ट स्टेज देखो यहाँ पे दो बीज हैं दो एग नीचे ठीक है उन्होंने वो क्या बोला कि एवरी थ्री डेज में वन और टू एग्स दे रही है सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा एक ठीक है अब देखो नेक्स्ट वाली इन दी सेकेंड स्टेज कॉमा डाला फिर बिटवीन नाइन एंड टेन डेज लेटर देखो लिखा है ना यहाँ पे एग्स हैच आफ्टर नाइन टू टेन डेज ईच एग हैच एंड इमेच्योर इंसेक्ट ऑब्वियसली ठीक है उसमें से जो भी निकलेगा वो इमेच्योर ही होगा जब तक वो एडल्ट नहीं बन रहा रीड करो नेक्स्ट ईच एग हैच एंड इमे इंसेक्ट और नाइफ अपेयर्स जो इमे इंसेक्ट होता है उसे हम नाइफ भी बोलते हैं क्लियर

नाइन डेज सेवन डेज वाला देखो रीड करो द मोल्टिंग फर्स्ट टेक प्लेस आफ्टर फाइव डेज जो हम ये फाइव सेवन नाइन वाला है उसने साइज़ तो ग्रो कर लिया हमने एक लाइन में बता दिया ये अब रीड करो ये जो मोल्टिंग फर्स्ट टेक जो पहले मोल्टिंग हुई वो कैसी हुई फर्स्ट टेक प्लेस आफ्टर सॉ रिप्लेस फाइव डेज आफ्टर दी हैग हैचिस एग हैचिस के बाद पाँच दिन बाद हुई क्लियर नेक्स्ट देन सेवन डेज लेटर एंड अगेन नाइन डेज मोल्टिंग तो हुई ठीक है यहाँ पे लिखा ना नाइन मोर थ्री टाइम्स एट्स इट ग्रोज पहले मोल्टिंग कब हुई जब वो एग्स हैच हुए थे आफ्टर फाइव डेज देन आफ्टर सेवन डेज देन अगेन नाइन डेज बी पी वन देखोगाइज हम यहां तक भी बना सकते हैं ठीक है अगर आपने सारा एक में लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप डिवाइड करके लिखोगे तो रीड करना भी अच्छा लगेगा ठीक है प्रेजेंटेशन भी आप अच्छे से दे पाओगे चलो नाइन डेज तक तो हमारा ये वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या हो रहा है नाइन डेज के बाद चलो रीड करते हैं ठीक है बीपी टू हमने कैसे स्टार्ट किया यहाँ पे आफ्टर अ टोटल ऑफ थर्टी टू थर्टी वन डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द साइकिल कॉमा यंग एडल्ट हनी बी एमर्जेस फ्रॉम इट्स फाइनल मोल्टिंग स्टेज फाइनल स्टेज पे जा रही है अपनी एंड इन ऑफ ओनली फोर डेज एंड देखो यहाँ पे लिखे ना फोर डेज टू मेच्योरिटी एंड इन दिस स्पेस ऑफ ओनली फोर डेज इट रीचेज टू इट्स फुल मेच्योरिटी देखो अपनी यंग एडल्ट एमरजिस स्टेज के बाद वो उसने चार दिन लिए कहाँ पे पहुंचने के लिए इट रीचेज टू इट्स फुल मेच्योरिटी अपनी फुल मेच्योरिटी पे जाने के लिए यंग एडल्ट से उसने चार दिन लिए क्लियर आफ्टर विच उसके बाद क्या हुआ आफ्टर विच कॉमा हनी बी इज़ रेडी टू ले एग्स एंड दिस प्रोसेस गेट स्टार्टेड अगेन ठीक है देखो यंग एडल्ट पे वो बीज आ गई नौ दिनों के बाद उसके बाद चार दिन उन्होंने अपने और लगाए मेच्योरिटी पे पहुंचने के लिए ठीक है जब चार दिन उन्होंने और लगाए तो अपनी फाइनल स्टेज पे वो एडल्ट बीज बन चुकी थी वहां से उन्होंने क्या बोला नाउ दी हनी बीज इज़ रेडी टू ले एग्स अगेन एंड दिस प्रोसेस गेट स्टार्ट अगेन ये प्रोसेस फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा सो गाइज आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस ऑफ Uh, life cycle of a honeybee so guys if you face any problem in the in any process chart as well as in any task one you can tell me in the comment section so i'll try to make my next video on that topic so guys thanks for watching this video and if you like this video hit the like button.